जो भैया, एक बार हम लोग फिर आ गए हैं यहीं रीवा की ग्राम पोस्ट जुगनहाई पोस्ट रायपुर जिला रीवा में। यहाँ बन रहा है ये नया कॉलेज का निर्माण हो रहा है, बना नहीं है, काम स्टार्ट है। रायपुर का चुलान जिला रीवा, रीवा से करीब 20 किलोमीटर दूर आए हैं हम। यहाँ पर पाँच एच पी 10 स्टेज मोटर लेके टेक्समो की V6 200 फिट पाइप के साथ में। और अभी हमारा सामान आया नहीं है, हम लोग पहुँच गए पहले। हमारा मटेरियल अभी मतलब तय उस ऑटो में आ रहा है, दूर वो ऑटो आ रहा है, शायद अपना ही है, सामान लोड है, 200 फीट पाइप के साथ में है। और आज हम लोग डालेंगे 5 HP 10 स्टेज टेक्समो 3 HP 3 हॉर्स पावर। और आज हमारे साथ में है रजनीत सिंह परियार, लगभग 30 साल पुराने स्टाफ हैं, जो अच्छे मैकेनिक में आते हैं। उनका गांव भी यहीं पर है रायपुर कचुलियान में। वो आ रहे हैं हमारे ठाकुर साहब मिस्टर रजनीत सिंह परिहार, पिछले 28 सालों से सेवा दे रहे हैं। और यहीं बगल में उनका गांव भी है, साइड रोड के उस पार, यहाँ टोल प्लाजा है आगे। और वो मटेरियल आ रहा है हमारा ऑटो में, कस्टमर लेके आ रहे हैं। और परिहार साहब, अपने क्या एकड़ जमीन यहाँ आई? अरे काहे पैसा बताई थे, कम से कम 50 एकड़ के काश्तकार हैं। इनके एक लड़के मिलिट्री में हो गए हैं, ये देखिए मिलिट्री का, इंडियन आर्मी का इन्होंने जैकेट भी पहन रखा है। फिर भी कहते हैं अब सियाने हो गए कि अब बस करिए, पेमेंट आ रही है, 2-2 लड़के कमा रहे, मगर नहीं, इनको बोलते हैं हमारा एक्सपीरियंस जब तक काम आएगा तब तक हम मोटर डालेंगे। तो आज हम इनके साथ में आए हैं और मटेरियल आ जाए, अभी पता नहीं बोर कहाँ पर है, यहीं पर बोर है परिहार साहब, हमारे देख आए बोर कहाँ पर है। और अभी ये तैयार हो रहा है, वो मटेरियल भी हमारा आ गया ऑटो में। वही आ गया हमारा मटेरियल, एक्वाटिक्स पाइप, रस्सी, केबल, और ये 5 HP 10 स्टेज टेक्समो। और सर हमारे लेके आए हैं साथ में, कॉलेज निर्माण हो रहा है यहाँ पर ग्राम जुगनहाई पोस्ट रायपुर जिला रीवा मध्य प्रदेश। सर आपका नाम क्या है? परीक्षित तिवारी जी, आप यहाँ पूरे देखते हैं, यहाँ का पूरा कारोबार यही देखते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन बोर का काम जो भी हो रहा है। 12 mm टफ रोल की रस्सी, एक्वाटिक्स पाइप, एक्वाटेक्स केबिल। और हमारे परिहार साहब देखिए लग गए, अब वो LTL का स्टार्टर रखा हुआ है और 200 फिट पाइप है, 250 फिट केबिल है, 250 फिट रस्सी, 170 फिट रस्सी है, 2 इंची डिलीवरी, क्लैंप, रबर टेप, कच्ची रबर, एडाप्टर, बैंड सब। मोटर आपकी, मोटर ये पंप आपका, ये हो गया मोटर, 10 स्टेज पंप, 8, 9, 10 टैक्समो का 3 फेस। ये हमारे परिहार साहब रस्सी लेके चले गए, अब पानी मंगाया गया है, पानी आ जाए तो इसमें हम डालेंगे शुद्ध जल, उसके बाद फिर इसका अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट करने के बाद इसमें पाइप कसेंगे, पाइप कसने के बाद रस्सा लगाएंगे, और रस्सी लगाने के बाद फिर इसको झुला दिया जाएगा बोर में। अब इसकी केसिंग भी काटनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर से केसिंग, ऊपर से उन्होंने बेल्ट कर दी है, केसिंग भी काटेंगे। अभी चारों तरफ खेती है, यह तालाब है शायद पीछे, या खेत हैं लंबे से, हमारे परिहार साहब भी यहीं के हैं। हाँ लाल साहब, ये पूरी रस्सी लेके चले गए वहाँ, पूरा वहाँ तक। केसिंग काटने की प्रक्रिया चालू है, दो भाई हमारे आए हैं वहाँ पर काम लगाया, तो उनको पकड़ के आए हैं भाई साहब काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एडाप्टर भी हो गया कंप्लीट। रजनीत साहब हमारे केबल जोड़ने में लगे हुए हैं, बस पाइप वाइप फिट करना और खड़े करके अलाइनमेंट कर देना, काम खत्म। थोड़ा ये भाई साहब हमारे खाली हो जाए तो मोटर पकड़ ले, तो हम अलाइनमेंट कर दें। कहाँ के हो भैया आप? आज छतरपुर के, तुम कहाँ के हो भाई? अच्छा, दोनों लोग छतरपुर, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, चलो इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो। शाम होने को आ गई है, टाइम बज गए हैं 3:30, और हमारे रजनीत साहब के पुराने मित्र मिल गए हैं खड़े हुए। नाम क्या सर आपका? अरुणेन पांडे जी हैं, बहुत पुराने हैं,
जान पहचान वाले हैं, मगर हमारे रजनीश साहब बताए जैसे कि बुढ़े हो गए हैं, इनकी याददाश्त भी थोड़ा कमज़ोर हो गई है। कहते हैं कि भाई अब लड़के बच्चे नौकरी में हो गए, काम छोड़ दिया, मगर नहीं, हाय पैसा, हाय पैसा, बस पैसा कहीं ना जाए, पैसा मिलता रहे बस। हो गया, हाँ, लास्ट स्टेट में है, बस थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा सा आराम आराम से एकदम आराम आराम से। हाँ, बहुत बढ़िया भैया, चलो बहुत सही बाबू। ये आप देख सकते हैं भाई लोग ने बहुत मेहनत की और ये केसिंग काट दी। चलिए बहुत बढ़िया यार, यार साहब देखिए खुरफास बांध रहे हैं, ये देखिए ये अलाइनमेंट हो गया, और हमारे प्रिंसिपल साहब बैठ के भी खा रहे हैं, बढ़िया खेत का मजा ले। अमरूद के पेड़ काफ़ी लगे हैं उधर, और तोड़ तोड़ के ले आते हैं, आराम से बैठ के खाते हैं। अब ये आपकी 5 HP 10 स्टेज अब डलने के लिए रेडी है बोर के अंदर, और फावड़ा मंगवाए हैं, मिट्टी बराबर करें खड़े होते बने जैसे। लाइट की क्या व्यवस्था है साहब? तार आ रही वहाँ से, लाइट आएगी वहाँ से, 3 फेस वो लगा हुआ वहाँ पर बोर्ड। और ये लगने लगा पाइप, हमारे परिहार साहब ने पाइप लगा दिया 10 फीट का डंडा, और कसेंगे। देखिए सिकर नाम की कोई चीज़ नहीं है कि नहीं है, देख एक्सपीरियंस यही बोलता है, इसलिए 28 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। कितने साल हो गए लाल साहब आपको? 98 से सेवाएं दे रहे हैं, और अभी तक जारी है, बस न्योता खाने की तैयारी है। कह रहे हैं कि न्योता उतना खवा दी, मगर हमारे परिहार साहब कहा था कि अबे दहेज आऊ बढ़िया, तो फिर हम खवाए। लड़का फौज में हुई का है ना, लड़का फौज में 3 साल से है, फिर आओ देखी ना इंडियन आर्मी की टी शर्ट पहने है कि नहीं। 30 फुट जा चुका है ये चौथा पाइप, पानी में डुबो, शाम को फिर इसको डाल देंगे उसमें। चला गया 110 फीट, और ये 120 फीट की तैयारी। यहाँ से हमारे देखिए बड़ी अली अली हाथ चलते हैं, हमारा तो हाथ भर जाता है, इनका हाथ नहीं भरता है, भाई भी लगा हुआ है हमारे धीरे धीरे से। हमारे गाँव के कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये हो गया 190 और ये हो गया 200 पूरा, 200 फीट पाइप पूरा जा चुका है, अभी जा नहीं चुका है, 190 जा चुका है, ये लास्ट पाइप है, लास्ट पाइप जा रहा है, लगभग 30 मिनट लगा है, 35-40 मिनट। वाह वेरी गुड, फास्ट रिकॉर्ड है आपका ठाकुर साहब, आप बुढ़े जरूर है मगर हैं अभी तेज। तो फाइनली 200 फीट डल गया भाई साहब, ठीक है ना, 5 HP 10 स्टेट 2 HP 2 इंची पाइप के साथ में। परिहार साहब काहे में लगे हैं? अच्छा आप लास्ट स्टेज में लगे हुए हैं, हमारे परिहार साहब जो हैं पूरे सिद्धत के साथ में लगे रहते हैं, देखिए नहीं छिल रहा तो चीर फाड़ डाल रहे हैं तार के। LTL का स्टार्टर है, 914 रिले मेन ग्रिप लाइन वहाँ से आई हुई है, समेट को वहाँ रख दो गार्ड रूम में, वहाँ डाल दो गार्ड रूम पे। फाइनली ये डल गया, 3:25 में हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे और 4:38 हो गए हैं। क्यों सर ऐसे ही है ना, गलत तो नहीं है कुछ? इस बार आप खाली आते हैं, बीही लेके नहीं आए? अच्छा वहाँ पर रखी हुई है, बांधे वाला ना हो, गिरमा बांधे वाले ना हो, लाख रहा ऊपर, लाख लगा दी ये रखा है यहाँ, लाख हटिए भाई साहब, बढ़िया है मजबूत। ये देखिए 20 रुपए की संपत्ति यहाँ गिरी हुई है, वो अभी लाख कर दिया जाएगा। देखिए भाई साहब टोटी से लाख कर दिए हैं, जब कभी जरूरत होगी एक आधा इंची टोटी लग जाएगी पानी पीने के लिए, इन लेबरों के लिए जो छतरपुर से आए हुए हैं, कार्निवाली पहने हुए हैं, गाना बड़ा अच्छा लगाते हैं, मैं करती हूँ बस संडे को इंतजार। वाह वाह वेरी गुड, इसको लगा दीजिए। जैसे कि देख सकते हैं परिहार साहब ने ग्रिप साज दी है, मगर दिक्कत यह है कि यहाँ पर लाइट नहीं है, 2 फेस लाइट है, और 3री फेस हमारे परिहार साहब ने बनाया है, अभी अब स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सपीरियंस बोलता है 3रा फेस भी बना दिया, वोल्टेज बहुत कम है, 200 वोल्ट जा रहा है, चलने की उम्मीद बहुत कम है। लाइट आएगी यहाँ पर रात के 12 बजे लाइट आएगी, अगर 3:30 हो तो कंडेंसर काम कर जाते हैं, हमको लगा था एक के दो ही आ रही है। हाँ एक के दो ही आई नहीं, सही कह रहे, चेक करी होगी बता अभी ना, वो फरफराई भर निकली
तो हमारी एक केहू को लगा दी 3600 की। अरे पैसा बोलता है 220 है बोलते ना कोई। हवा हवा आ रही भैया, हाँ जी हवा लगा हुआ हाथ। अरे हाँ मैंने लगा हाथ, लगाओ ना हवा, आओ ठीक है ना यार। यार तुम यार ऐसे बताते हो यार, तुम यार कैसे आदमी होता वोल्टेज क्या होना है 200 वोल्टेज है न चली बहुत कम लाइट ना, बहुत कम लाइट है। अगर डबल फिस्मा लाइट 350 रहा ना चल जाती, बहुत दूर ट्रांसफार्मर है, लाइट बहुत कम है, ट्रांसफार्मर हर एक आई है। अच्छा तीनों फेस आएगी लाइट चालू करेगी, अपना बना देती हूँ फेस वाला सब बना दी। सुखदेव सुनिए भैया, पानी की जरूरत। अरे तो हमारे को हाथ तो धोने हैं यार, थोड़ा हाथ धोएंगे उसके बाद जाएंगे भैया। थोड़ा हम हमारा अपना रिंच पाना अपना समेट लें, उसके बाद फिर आप पानी की बाल्टी लेते जाइएगा। हो गया परिहार साहब ना, समेटे आप सामान, हमारी यहाँ का काम ख़त्म। जब लाइट आएगी रात में 12 बजे तक चेक किया जाएगा। और थोड़ा ध्यान देना इसको, स्टार्टर को थोड़ा ऐसे स्लोप रखना, लेटा के ना मत रखना, नहीं तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप चालू हो जाएगा, बंद नहीं होगा। अरे सेंसर नहीं लगी हुआ है ना, कॉइल है उसको अपने आप चला जाते हैं, जैसे ही हो जाएगा उठ जाएगा चल जाएगा अपने आप, बंद करेंगे तो डाउन नहीं होगा। अरे नहीं ये छड़ गड़ा है, मैं ऐसे नीचे को उठा दूंगा। हमारे बतावे के आज के बाद नहीं, हमेशा के बतावे के हुआ है, ठीक बता रहे। रिले स्टार्टर रखे रहे बेड़ा ना, तो वो मैंने रखे चाहिए वहीं से, तो वो कट गए सर फौरन। समरिया के सर होते हैं, सुपारी कट रही है और तिवारी तिवारी काट रहे हैं, और तिवारी जी हमारे काट रहे हैं। ये परिहार साहब को खिलाइए, यहाँ पर फेमस है समरिया का सरौता, लोग बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ तक विदेशों से भी आते हैं सरौता खरीदने, क्योंकि यहाँ की धार बहुत तेज होती है सिमरिया में, लोहा बहुत एक नंबर का है यहाँ का, सिमरिया का सॉरी सिमरिया क्षेत्र में जो सतना जिले में आता है। आप रहेंगे आप हमारे यहाँ ये साहब रहेंगे जैकेट वाले। देखिए जब आप चालू करेंगे ये कांटा जितने में रहेगा 10, 11, 12 इसको 12 में कर दीजिए, ज़्यादा फूल मत कीजिए ना कम करिएगा। ये लोड जितना बताया उन्हें से 1 एम्पियर ज़्यादा रखेंगे, कभी दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत होती मान लाइट खराब है कुछ हो दिक्कत जाएगा। ठीक है आपका शुभ नाम सर? सुखदेव। सुखदेव प्रसाद सर आप? नहीं नहीं आपको फोन लगाऊंगा 12 बजे जब लाइट आएगी, ठीक है व्हाट्सएप करना है। अच्छा सुखदेव जी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई बात आएगी तो फोन लगाइएगा सर को, आपको आना पड़ेगा हमको सर लग रहा। नहीं तो परिहार साहब यहीं कहते यहीं से आ जाएंगे सर, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो पड़ोसी हैं आपके, दिनों रात आपकी सेवा में तत्पर है सर। नंबर रखो दोनों लोगों को, परिहार साहब का लीजिए, हमारा तो क्या हम चलते हैं पूरी आदमी हैं। गाना जी का यूट्यूब वीडियो बना हुआ है। हाँ बिल्कुल हमारा नंबर ले लीजिए आप, नंबर इन्हीं का लो 9977-843601। लगा के देखियो ले है 01 चलिए सर। अच्छा हम लोग भी निकलेंगे सर, आपका नंबर रख लिए हैं? बिल्कुल सर, टेस्ट करने के बाद जो भी होगा जी सर उसका वीडियो आपको भेजेंगे जी सर, जो आपने बनाया है मतलब। ओके सर, ओके सर, ओके। हमारा नंबर है आपका खत्म, चूँकि लाइट नहीं है, लाइट कटौती में चल रही, रात को 12 बजे लाइट आएगी, डाल दिए हैं। ये कॉलेज जो विंध्यांचल कॉलेज बन रहा है रायपुर करचलियान पोस्ट लगता है जिला रीवा, 20 किलोमीटर दूर रीवा से जुगन हाई, और यहाँ का काम समाप्त। अब चलते हैं अपने गणतंत्र की तरफ, फिर कल देखेंगे कहाँ की ड्यूटी लगती है, किस गांव की, किस शहर की। यहाँ का काम समाप्त हुआ आज का, नमस्कार सबको, राम राम।